इस मूवी में हम प्रोजेक्ट में मटेरियल रिसोर्स को क्रिएट करेंगे। मटेरियल रिसोर्स प्रोजेक्ट में यूज़ होने वाली टेंजिबल आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है, मसलन गैलन्स ऑफ गैस, रीम्स ऑफ पेपर्स, क्यूबिक यार्ड्स ऑफ कंक्रीट वगैरह। मटेरियल रिसोर्स में रेगुलर टाइम कंपोनेंट नहीं होते। हम रिसोर्स शीट में मटेरियल रिसोर्स को क्रिएट करते हैं। मटेरियल रिसोर्स को क्रिएट करने के लिए रिसोर्स नेम सेल पर क्लिक करेंगे और मटेरियल रिसोर्स के नाम को टाइप कर लेंगे। रिसोर्स नेम टाइप करने के बाद एंटर की को प्रेस करते हैं। प्रोजेक्ट ने ऑटोमेटिकली टाइप सेल में वर्क को फिल कर लिया। हम ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके मटेरियल को चूज़ कर लेते हैं। प्रोजेक्ट ने मैक्सिमम यूनिट, ओवरटाइम रेट और बेस कैलेंडर के फील्ड को एम्प्टी कर दिया। मटेरियल रिसोर्स आमतौर पर यूनिट ऑफ टाइम के साथ यूज़ नहीं किए जाते, इसलिए स्टैंडर्ड रेट सेल में मटेरियल रिसोर्स के साथ सिर्फ डॉलर का साइन है, जबकि इसके साथ स्लैश और टाइम पीरियड नहीं है, और इस वजह से मटेरियल लेबल फील्ड भी इस वक्त एक्टिव है। अब हम मटेरियल रिसोर्स के लिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट को डिफाइन करेंगे। हमने गैलेंस को टाइप कर लिया। मटेरियल फील्ड में गैलेंस टाइप करने के बाद अब स्टैंडर्ड रेट को फिल करेंगे। कॉस्ट पर यूनिट को सेट करने के लिए स्टैंडर्ड रेट फील्ड में नंबर को टाइप करते हैं। हमने 6 टाइप कर लिया। अक्सर औकात कुछ टास्क में वक्त गुजरने के साथ साथ मटेरियल कंज्यूम होता है। मसलन अगर हम कहीं जा रहे हों तो ड्राइविंग के दौरान गैलेंस ऑफ गैस कंज्यूम होंगे। हम मटेरियल रिसोर्स के लिए भी असाइनमेंट को सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि मटेरियल रिसोर्स की कंसम्पशन टास्क ड्यूरेशन पर डिपेंड है। इसके लिए हम ये ट्रिक आजमाते हैं कि असाइनमेंट की यूनिट फील्ड में पर आवर को ऐड कर देते हैं। अब व्यू टैब में से गैंट चार्ट पर क्लिक करेंगे। अब टास्क फॉर्म को डिस्प्ले करने के लिए डिटेल के चेकबॉक्स को टर्न ऑन कर देंगे। हमने ट्रैवलिंग के टास्क को सिलेक्ट कर लिया और अब रिसोर्स नेम सेल पर क्लिक करेंगे। हमने गैस को चूज कर लिया। रिसोर्स नेम को सेट करने के बाद वर्क कॉलम में राइट क्लिक करेंगे और कॉस्ट को चूज कर लेंगे। यूनिट सेल में 2 पर एच आवर टाइप करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे। प्रोजेक्ट ने यूनिट सेल की वैल्यू को 2 गैलेंस पर आवर में चेंज कर दिया है। अब दोबारा रिसोर्स शीट में स्विच करते हैं और टास्क फॉर्म को क्लोज कर देते हैं। अब इनिशियल फील्ड में रिसोर्स के लिए एब्रिविएशन को फिल करते हैं। अगर हम मटेरियल रिसोर्स को ग्रुप करना चाहें तो हम ग्रुप फील्ड में इसे फिल कर सकते हैं, और अगर हम इसे फिल ना करना चाहें तो हम इस फील्ड को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इस मूवी में हमने देखा कि मटेरियल रिसोर्स को भी वर्क रिसोर्स की तरह ही क्रिएट किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ फील्ड्स को फिल नहीं करते, क्योंकि मटेरियल रिसोर्स वर्क रिसोर्स की तरह टाइम पर डिपेंड नहीं करता। अब हम मटेरियल रिसोर्स के इस रिव्यू को रैप अप करते हैं।